नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। दिस श्रद्धा, होप एवरीवन इज डूइंग गुड। चुपती जलती गर्मी का मौसम आया और ये मौसम लाया है बहुत सारी धूप, इरिटेशन, टेम्परेचर एंड हीट। एंड टू सर्वाइव दिस ब्लिस्टरिंग हीट, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कूल समर डेकोर हैक्स जो मैंने अपने घर पर भी अप्लाई किया और उसका रिजल्ट देखे आई एम सो सैटिस्फाइड, सो हैप्पी। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एक और हैक है, प्लान सम शेड एंड गिव सम शेड टू योर प्लांट्स। चुभती गर्मी है, तेज धूप और हाई टेम्परेचर, उफ। गर्मियों में सिर्फ हम ह्यूमंस ही नहीं बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी परेशान रहते हैं। और तो और, ये बेचारे प्लांट्स अपने आप मूव भी नहीं कर सकते हैं कि कहीं छाया में चले जाएं। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है प्लांट्स को शेड देने की, उनको हार्श सनलाइट से बचाने की। इससे आपके घर में भी ठंडक बनी रहेगी, टेम्परेचर हाई नहीं रहेगा। एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ कर्टन जो कि ग्रीन प्लास्टिक कर्टन होता है। इसमें 50% यूवी स्टेबलाइजेशन होता है। इसे इंस्टॉल करना भी काफ़ी आसान होता है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है, आपके घर में चाहे छोटे पौधे हों, बड़े पौधे हों, छोटा गार्डन हो, बड़ा गार्डन हो, उन्हें बचाने की बहुत ज़रूरत है। इस तरीके से शेड दीजिए ताकि आपका घर भी ठंडा रहे, आपके पौधे भी चलते रहें। Now this brings me to the next hack and keep your curtains dark and blackout. अगर आपके भी घर में अभी तक वही ठंड वाले शियर curtains हैंग हैं तो टाइम आया है उन्हें चेंज करने का। You can replace those sheer curtains with dark, heavy blackout curtains जो पूरी सनलाइट को ब्लॉक करते हैं और इससे आपका रूम या घर भी ठंडा ठंडा कूल बना रहता है। कर्टन्स चेंज करने के पहले एक बात जरूर ध्यान में रखें कि जो आपके कर्टन्स हैं वो आपके घर के इंटीरियर से मैच करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कॉफ़ी बेज कलर में ये कर्टन्स लिए हैं, दीज आर फ्रॉम अमेजोन एंड दे आर द प्रिटीएस्ट वन। और ये ब्लैकआउट कर्टन्स हैं, पूरे सन लाइट रोकते हैं। और अगर आप शाम को या अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हवा चाहते हैं तो इस तरीके से आप इन्हें बांध भी सकते हैं। और तीसरा हैक है, कॉटन इज किंग। ओके, ये जो टिप है ना, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाली है। तो अगर आप अभी तक नेट, सिल्क, सैटिन जैसी अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कुशन कवर्स एंड सोफा कवर्स, तो उनको बदलने का टाइम आया है। एंड यू कैन स्किप देम और ला सकते हैं इस तरीके के कॉटन ब्लॉक प्रिंटेड ब्यूटीफुल कुशन एंड सोफा कवर्स। और इनमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आपके घर का इंटीरियर जैसा है आप उस तरीके से मैच करके सोफा कवर्स और कुशन कवर्स चेंज कर सकते हैं। और यार, इनको देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कितने प्रिटी हैं, लाइट वेट हैं, इजी टू मेंटेन, इजी टू हैंडल, इजी टू वॉश। और तो और, इनको देखने से ही आंखों में सुकून मिल रहा है। वैसे ही इनसे मिलते जुलते मैं कुशन कवर्स लिए हैं। ये कुशन कवर्स भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, प्रिटी हैं। और इनका मतलब सिंपली ये है कि आप सोफे पे बैठेंगे तो आपको पसीना नहीं आएगा, स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये कॉटन कवर्स हैं। फोर्थ हैक ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है एंड आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर कॉटन दरीज। हम इंडियंस आज भी गर्मियों में फ्लोर पर बैठना काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं यार, पर फ्लोर पे बैठ के ना एक अलग सी फीलिंग आती है, सकता हम घर पर ही हैं। तो गर्मियों में हैवी फर वाले कार्पेट्स को डिच करिए और लाइए हैंडमेड ब्यूटिफुल कॉटन दरीज। ये जो दरी है ये अमेजोन से लिए है, बहुत ही रीजनेबल बजट में है। और इस तरीके से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं इन एन इनएक्सपेंसिव वे। नेक्स्ट हैक इज कीप काम एंड कीप टेराकोटा इनसाइड। गर्मियों में आप बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं और हर एक किलोमीटर के अंतर में आपको इस तरीके के टेराकोटा शॉप्स देखने जरूर मिलती होगी, क्योंकि यही एक सीज़न है जिसमें ये पॉटर्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं। तो भाई, मुझे तो टेराकोटा से एक अलग ही प्यार है और इन्हें भी गर्मी में देखकर अलग सा कामनेस फील होती है, ठंडक मिलती है। तो यहाँ शेयर किया है मैंने बहुत ही सिंपल सा DIY जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं छोटे छोटे मिनिएचर पॉट्स। अगर आपके पास मिनिएचर पॉट ना हो, आप बड़े पॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें प्रिंट दिया है टेराजो प्रिंट यूजिंग एक्रेलिक कलर्स और इसे आप सील कर सकते हैं वार्निश के साथ ताकि ये लंबे समय तक चलें। और इसे डिस्प्ले कर सकते हैं शेल्फ पे, नहीं तो रूम के किसी भी कॉर्नर में इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इन्हें देखने से ही आपको बड़ा ठंडा ठंडा कूल लगेगा। Now this brings me to the last hack, avoid that extra warm light and put in some greens inside. I don't know why, but मेरे साथ तो ऐसा है कि गर्मियों में गरम गरम वार्म लाइट देख के मुझे एक्स्ट्रा गर्मी लगने लगती है। आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इन्हें हटाइए और ऐड करिए कुछ ग्रीन्स। ग्रीन्स का मतलब है इंडोर प्लांट्स, बिकॉज एडिंग सम ग्रीन इनसाइड योर होम इज द सिंपलेस्ट येट इनएक्सपेंसिव एंड ब्यूटिफुल थिंग।
ये घर की एयर को प्योरीफाई तो करते ही हैं। ग्रीन कलर देखते ही आंखों में बड़ी ठंडक मिलती है और इन्हें कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता है आपको। बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में ये प्लांट्स आ जाएंगे। अगर वो भी नहीं लेना है ना, तो सिंपल अपने गार्डन से मनी प्लांट्स की कटिंग्स लीजिए और इस तरीके से डेकोरेट करिए। तो चलिए अब बिफोर एंड आफ्टर रिवील देखते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इंटरेस्टिंग ईजी बेसिक डेकोर हैक्स पसंद आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।